ये नदी किनारे मैना बैठा, मैंने समझा तोता है, जब याद पासवान जी का आता है रामविलास पासवान, दिल चुपके चुपके रोता है। पूरा टपता है सर आपका? हाँ टपता होगा, तब तक मिलता है सामान। हम भी कभी कभी सेवन कर लेते हैं, बड़े बड़े लोग शराब पिए रहा है, नेता पिए रहा है, अफसर पिए रहा है। ढाका थाना क्षेत्र में रहते हैं, इस थाना क्षेत्र में शराब मिलती है कि नहीं, ईमानदारी से बोलिए। गरीबी हाल क्या जाने, अमीरी काटने वाले जो मजा मखमल का लेते हो, चटाई के हाल क्या जाने। शराब को खोल देना चाहिए कि नहीं? खोलने से सब खुशहाल हो जाए। 2016 से बिहार में बिहार वासियों को बताया जाता है कि बिहार में शराबबंदी है, न बिहार में शराब का उत्पादन होता है न शराब बिकता है, और बिहार में जब शराब को न उत्पादन होगा न बिकेगा तो पब्लिक को भी शराब नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हर दिन हर थाना क्षेत्र में शराब की खेप पकड़ी जाती है। आए दिन छपरा में 100 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, सिवान में भी आंकड़ा 100 से पार हो रहे हैं। तरह तरह का अगर पूरे बिहार की घटना ली जाए तो हर दिन 100 से 200 लोग जहरीली शराब पीने से मौत होती है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ चावला जी है। चावला जी, बिहार में शराबबंदी है लेकिन हर थाना क्षेत्र में शराब पकड़ी जाती है, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है, जब शराबबंदी है तो शराब मिल कहाँ से रहा है? क्या कहने का मतलब है, आपने तो हमको पकड़ लिया, हमने जाने सहा नहीं जाए आप। जी जी, तो कोई बात नहीं है। शराबबंदी के मुद्दे पर सुने आज ढाका में बहुत कुछ हुआ है, मतलब बिहार जो है ना मेरा, खासकर मेरा ढाका विधानसभा और लोकसभा बॉर्डर इलाका पे है। अच्छा, और बॉर्डर इलाका पर शराब मिलेगी ही, बगल में नेपाल है, पूरा यहाँ से बाघा तक चल जाइए, रामनगर तक चल जाइए, रहा सवाल कि शराब मिल रहा है तो बॉर्डर के बगल में, आखिर बॉर्डर टाइप का ना शराब आता है? बड़े बड़े लोग शराब पिए रहा है, नेता पिए रहा है, अफसर पिए रहा है। अच्छा, बुरा टपता है सर आपका? हाँ टपता होगा, तब तक मिलता है सामान। हम भी कभी कभी सेवन कर लेते हैं, झूठ का है बोले हम। अच्छा, यानी कि बिहार के अंदर में शराब मिल जाता है? कैसे नहीं मिलता है? मिलता है तभी तो आप पी भी लेते हैं। मतलब है, हमारे मुख्यमंत्री थोड़ी सी मिस कर गए। अच्छा, अभी हमारे तेजस्वी जी है, चाहे चिराग पासवान जी, नए नेता है, ये लोग चेहरा है, हमको अच्छी तरह जानते हैं। इन लोगों को विचार करना चाहिए। कहने का मतलब, शाम का भूला सुबह का भूला, शाम को घर वापस चला तो उसको भूला नहीं कहता। और नीतीश कुमार जी बंदी कर दिए तो पब्लिक के लिए की है, पब्लिक को चाहिए थोड़ा बहुत सामान, इसलिए इस पर विचार करें। और हम कहेंगे कि पुराने साल को नहीं कहते, पुराने साल जाने के गम में नए साल आने के खुशी में इस काम को किया जाए। मतलब सिस्टम से। अच्छा, एक सवाल, आपके ढाका थाना क्षेत्र में, आप ढाका थाना क्षेत्र में रहते हैं, इस थाना क्षेत्र में शराब मिलती है कि नहीं, ईमानदारी से बोलिए। अच्छा, एक मिनट, कहने का मतलब है, ये मेरा बॉर्डर इलाका है। अच्छा, मेरा वार्ड 12 है, बाजार का है मैं, यहाँ एकदम बगल में 5-7 किलोमीटर बगल में नेपाल पड़ता है, थोड़ा बहुत शराब मिलता है। हाँ, झूठ का है बोलते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार इस शराबबंदी में सफल हो रहा है कि असफल हो रहा है? देखिए, कहने का मतलब, शराबबंदी से अभी छपरा में जो घटना घट रहा है, अब देखिए सिवान में बहुत जगह घटना घट रहा है, आए दिन भी गलत सामान आप लीजिए चाहे हम लेंगे तो कोई भी मर सकता है, इसलिए इस पर विचार करें। और हम तो यही कहेंगे, मैं छोटा एक वार्ड पार्षद हूँ, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और खाद्यान्न मंत्री, गरीब को सिर्फ यही चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने नल जल का व्यवस्था किया है, हर गरीब को चाहिए, लेकिन नल जल में इतना घोटाला हुआ है कि गरीब तराई माम है पानी के लिए। अगर चापाकल की व्यवस्था होती, अभी आईबी में आया है, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, कल नहीं, आईबी के सामने कल नहीं है। जदयू का 15 साल धोला धोया है, लेकिन आज पूरा एकदम समझिए तो नीतीश कुमार का सब थू कर रहा है बिहार में। मतलब कारण क्या है? कारण वही शराबबंदी है। अच्छा, विकास नहीं हुआ, युवा को रोजगार नहीं हुआ। अच्छा, बिहार में शराब को खोल देना चाहिए कि नहीं? खोलने से सब खुशहाल हो जाएगा, उसको सिस्टम में खोलिए ना भाई, आप लोग गार्जियन है। हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन आज उनका बदनामी हो रहा है सिर्फ शराबबंदी से। यानी कि शराब खोल देना चाहिए एकदम, इसमें विचार करके, गौर करके, सिस्टम से लगाए, ताकि बाहरी लोग भी यहाँ से नेपाल नहीं जाए। नेपाल जाता है, गाड़ी पी के चलाता है, गिर जाता है, कोई भी होता है। एक और चीज़, बीजेपी वाले नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं, आपका क्या राय है? कहने का मतलब, बीजेपी भी तो साथे था नीतीश कुमार के साथ। अच्छा, अब पद यात्रा कोई कर रहा है भारत का? अच्छा, है बिहार का कर रहा है, भारत का भी कर रहा है ना, भारत जो राहुल गांधी, अब बिहार का भी कर रहा है जन सुराज पार्टी, जो हो पार्टी हो, लालू यादव जी के साथ भी बैठा हूँ, हमको ऐसा मत समझिए। अच्छा, पासवान जी में रामविलास पासवान के सपूत चिराग पासवान मानते हैं? अच्छे, उनके गार्जियन परशुराम जी है, चाचा जी है, उसके चाचा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप बेटा मिलकर काम करे ना। कहने का मतलब है, इसलिए पासवान जी को वही बोले थे, मैं उस घर में दिया जलाने चला जिस घर में सदियों से अंधेरा है, वो तो अंधेरा को दूर कर दिया, मोबाइल स्क्रीन टच से दूर किया ना, आपकी बेटी रोटी बना सकती है, आधा घंटा पढ़ सकती है, लेकिन जिस घर में दिया चला उस घर में सदियों से अंधेरा है, लेकिन छत नहीं हुआ, वो मर गए, आवास में पूरा लूट खसोट है, सब तर पैसा लग रहा है।
वार्ड पार्षद, वार्ड पार्षद को दोषी मत दीजिए। अच्छा, आप नीतीश कुमार को दोषी मानते हैं इन सब चीज़ों के लिए? देखिए, वो अच्छे काम करते, काम करते हैं, सिर्फ काम हो नहीं पाता, पार्टी के लोग नहीं करते हैं ना काम। अच्छा, जनता के पास नहीं पहुंचता है। नल जल बहुत अच्छी काम था, जल बिना जीवन नहीं है। अच्छा, ढाका के अंदर भी आप कह रहे हैं कि शराब मिलती है, तो ढाका के प्रशासन को, यहाँ के नेताओं को क्या करना चाहिए ताकि ढाका के अंदर में कम से कम शराब ना मिले? देखिए, प्रशासन तो पकड़ता ही है, गाड़ी से गश्ती करता है, रात भर, सुबह रात में उठते हैं, 4 बजे भोर में उठते हैं। हाँ, गश्ती वाला गाड़ी घूमते हैं, अगर हम पियेंगे तो हम भी पकड़ाएंगे, हमको भी बोला गया, कोई बात नहीं। उसके लिए पुलिस अपना ड्यूटी करता है, उसको भी भाई सोने का समय चाहिए ना 2 घंटा। ये सारा दोष प्रशासन का दोष नहीं है, राजनेता का दोष है भैया, दोष मानते हैं। प्रशासन तो कोरोना में इतना किया जिसका हिसाब नहीं है। मैं जो कोरोना में किया प्रशासन के साथ, ये नदी किनारे मैना बैठा, मैना मैंने समझा तोता है, जब याद पासवान जी का आता है, रामविलास पासवान, दिल चुपके चुपके रोता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। अमीरी हाल क्या जाने, गरीबी हाल क्या जाने, अमीरी काटने वाले जो मजा मखमल का लेते हो, चटाई का हाल क्या जाने। वाह, चटाई है हम लोग, चटाई जमीन बनाइए। अब गांधी जी नहीं आएंगे, सुभाष चंद्र बोस नहीं आएंगे, गांधी चंपारण से चावला निकल चुका है। हमारा बात कामना है आपको, आगे बढ़ते हैं। जय भारत।